अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9.2 एक्सरसाइज के गलती काम ही हुआ है। छह क्वेश्चन हमने किए थे, आज सातवां क्वेश्चन करने जाएंगे। अर्नो ने कंप्यूटर भेजा है, उसने लॉस किया है 20%। हमें बताना है कि अगर वो कितने में बेच देगा कि जैसे उसका 30% प्रॉफिट हो जाए। यहां पे हम बता सकते हैं उसने 16,000 में भेजा है, 20% उसने लॉस किया है। एक और प्रो, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्योंकि कॉस्ट प्राइस 19,300 तो यहां पे हमारा जो सेलिंग प्राइस आता है वो 16,000 था कॉस्ट प्राइस 19,200। क्योंकि सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो उसका लॉस हो गया है। अब हमें बताना है कि उसे 30% प्रॉफिट होना चाहिए था कि अगर उसका सीपी ये है तो हमें बताना है कि टोटल जो है भेजना कितने में है कि 30% प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ सीपी इक्वल टू 19,200, प्रॉफिट इक्वल टू 30% इक्वल टू एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंट्रो 30 is equal to SP minus 19,200 divided by 19,200 into 100 equal to 2 3s are 6, 9 3s are 27, 3 1s are 3, 19,200। यहां पे माइनस है, हम इसे यहां कर देंगे 5760 प्लस 19,200 इक्वल टू एसपी। देन एसपी इक्वल टू
उसका एसपी जो होना चाहिए, सेलिंग प्राइस जो होना चाहिए 24,960 रुपीज होना चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ eight apples equal to cost price of ten apples। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, मुनाफा हमें यहां पे बताना है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हम यहां पे लिखेंगे ए इंटू एस पी इक्वल टू टेन इंटू सी, टेन एस पी डिवाइड बाई सी पी इक्वल टू टेन डिवाइड बाई ए। टू टू फोर टू सर टू फोर सर टू फाइव सर फाइव डिवाइड बाई फोर। हमारा सीपी जो है फोर है, एसपी इस वक्त फाइव है, तो हमारा प्रॉफिट यहां से यहां तक वन हो जाता है प्लस वन। तो हम बताएंगे वन डिवाइड बाई प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है, तो हम लिखेंगे वन, मगर चूंकि सीपी इस वक्त फोर है इंटू हंड्रेड, फोर वन हजार फोर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव परसेंट हमारा इस वक्त प्रॉफिट परसेंट है। एसपी ऑफ एट एप्पल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ टेन एप्पल्स, एट इंटू एसपी इक्वल टू टेन इंटू सीपी, एसपी सीपी यहां पे डिवाइड कर लेंगे 10 डिवाइड बाई 2 4 हजार 2 5 हजार। यहां से हमें पता चलता है कि ये हमारा सीपी था, ये एसपी है, तो प्रॉफिट जो है 1 हो गया। तो हम यहां पे लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 इक्वल टू 25%। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बताता है यशिता परचेज्ड ए बाइसिकल फॉर रुपीज 5000 एंड सोल्ड इट यश एट परसेंट ऑफ एट प्रॉफिट ऑफ 25%। यश सोल्ड इट कविता एट अ लॉस ऑफ 15%। फाइंड, हमें करना है कि कविता ने बाय कितने में किया है। यशिता का सीपी जो है 5000 रुपीज है, उसके बाद यश ने जो है सेलिंग प्राइस 25% तो हमें यहां पे पता है कि यश ने जो है 25% उसने इस सीपी पे गेन किए। तो हम यहां पे बता सकते हैं
5000 सीपी है इंटू हम कर लेंगे 25% डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1250। उसने प्रॉफिट और हम यहां पे बता सकते हैं कि एसपी इक्वल टू 5000 प्लस 1250 इक्वल टू 6250 रुपीज उसने सेलिंग प्राइस जो है हमारा निकल गया है। उसने फिर यश में भेजा जो है कविता को मगर 15% लॉस पे। तो हम यहां पे बताएंगे 15% लॉस पे उसने भेजा है और हमें प्रूव करना है कि यश कविता ने कितने में बाई किया है। यहां पे लिख लेंगे हम हमारा सेंट पर्सन है, हमारा इस वक्त 10% है, 6250 हमारा सेंट पर्सन है, 625 हमारा इस वक्त जो है 10% है। तो हम यहां पे लिखेंगे 5% इक्वल टू डिवाइड कर लेंगे हम इसका 2, 3, 1000। तो उसने जो है लॉस किया है 15% का, तो हम 15% लिख सकते हैं इक्वल टू 625 प्लस 3125 इक्वल टू 937.5। तो उसका जो इस वक्त सीपी निकला लास्ट भी किया है उसने, तो हम उस वक्त लिख लेंगे उसका जो सीपी इक्वल टू 6250 माइनस 937.5 इक्वल टू 0.5 5312.5 उस वक्त जो था वो कविता का सीपी था। उस वक्त कविता का सीपी जो था रुपीज 5312.5। इंशाल्लाह इसे आगे कल कर लेंगे। थैंक यू प्रोफेसर।